बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो है अनवांटेड हेयर्स रिमूव, यानी जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें दो इंग्रेडिएंट चाहिए, एक जो कि हर किचन में आसानी से दस्तियाब होते हैं। एक नंबर वन हमें चीनी चाहिए और नंबर टू हमें नमक चाहिए। इनके इस्तेमाल से आपके अंडर आर्म्स के जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे या काफ़ी अर्सा तक वो नहीं दोबारा आएंगे। और साथ में आपकी ब्लैक पार्ट्स जो अंडर आर्म का है वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साफ़ पैन चूल्हे पर रखें और फिर उसमें एक कप साफ़ पानी का मिला दें। पानी डालने के बाद आप आधी प्याली चीनी की इसमें ऐड करें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। और उसके बाद आप एक लीमू लें और उसके दो हिस्सों में काट लें। लीमू को काटने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें और उसका एक हिस्सा आप इस पानी और चीनी में अच्छी तरह से निचोड़ दें। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है नमक। आप इसमें एक चम्मच नमक का ऐड करें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें और उन्हें जब तक आप पकाएँ जब तक चीनी आप अच्छी तरह से घुल ना जाए और उसका एक वो एक लिक्विड फॉर्म में तैयार ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि आपने शीरे की तरह नहीं बनाना इसको, बल्कि बस चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसका एक महलूल टाइप तैयार करना है। और जब एक बाल आ जाए तो आप उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जब आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो फिर वो उसकी एक लई सी बन जाएगी। एक दो उबाल के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर आप उसको किसी साफ़ बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप उन्हें अपने अंडर आर्म्स के बालों पर अप्लाई करें। जब ये महलूल ठंडा हो जाए तो आप इसे अपने फिंगर की मदद से अंडर आर्म्स के बालों पर लगाएं, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको लगाएं और उसकी एक तैसी उसके ऊपर जमा लें। तय लगाने के बाद आप कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें और जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं, तो फिर किसी भी सूती कपड़े से आप इसे रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से उतारें। सूती कपड़े से आप अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ कर उतारें, लेकिन एक नॉर्मल हाथ की मदद से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना, इससे आपकी स्किन अफेक्टेड हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस क्योंकि अंडर आर्म्स के बाल काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए आप इस रेमेडी को 4 या 5 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अंडर आर्म्स के बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार यूज़ करें और तकरीबन 1 महीने तक यूज़ करें, यानी 4-5 दफ़ा, तो आपके अंडर आर्म्स के बाल ख़त्म हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी।